अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम एथेरियम की गैस फी जो है वो कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी भी एक्सचेंज पे चले जाना है, जैसे कि अभी मेरे पास ओके एक्सचेंज है। अपने यहाँ से वॉलेट वाले सेक्शन पे जाना है अपने, तो वहाँ पे जाके असिस्ट जो है उसका सेक्शन पे जाके आपने विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करके आपने उसके बाद विड्रॉ क्रिप्टो पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने ETH एथेरियम पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, आपकी मिनिमम आपकी अमाउंट जो है वो होनी चाहिए मेरे ख्याल में 0.01 या 2 होनी, 0.02 तकरीबन होनी चाहिए आपकी, या 1.15 होनी चाहिए एथेरियम ZK सिंक, ठीक है। ये वाला आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ये देखिए इसकी फीस कितनी कम है। उसके बाद जो है आपने अपने अमाउंट डालनी है, और उसके बाद उसे आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके मेटामास्क में या आपके वॉलेट में आ जाएंगे ZK सिंक के नेटवर्क के ऊपर। अच्छा जी, अब आपने गूगल पर सर्च करना है ZK सिंक ब्रिज। जैसे आप गूगल पर ZK सिंक ब्रिज सर्च करेंगे तो ये आपके सामने पहला ही ZK सिंक ब्रिज के नाम से आएगा, आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने मिसाल के तौर पे 0.01 मिनिमम आप करेंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में आ जाएंगे। नहीं तो वो जो आपके कॉइन्स होंगे उनको आपको क्लेम करना पड़ेगा, उसकी फीस लगती है। तो ऑटोमेटिक जो आते हैं उसकी फीस नहीं लगेगी, वो आपके जो फीस लगी होगी ना एक दफ़ा वही लगेगी, ठीक है। तो वो आपके क्लेम नहीं आपको करने पड़ेंगे, मिनिमम 0.01 अगर आप करते हैं। तो हम अपना नेटवर्क जो चेंज करते हैं पहले, ठीक है, हमने अपना नेटवर्क चेंज कर लिया। अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक किया, ब्रिज नाउ पे क्लिक किया। जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें बताएगा इसकी गैस भी कितनी लगने वाली है। तो गैस भी जो इसकी लग रही है वो अभी दिखा रहा है जीरो, ये देखिए आधे डॉलर से भी कम लग रही है आपकी, मैक्सिमम आधा डॉलर या एक डॉलर। तो जैसे आपके आप ट्रांसफ़र पर लगाएंगे तो आपको इसमें ट्रांसफ़र करने पर पूरा एक दिन लग जाएगा। ये एक दिन के बाद आपके ट्रांसफ़र होंगे, ये 24 घंटे में ट्रांसफ़र होंगे। मगर ये 24 घंटे जो आपके लगेंगे उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो एथेरियम आप एक्सचेंज से डायरेक्ट चेन से आप सेंड कर रहे थे उसमें आपकी फीस लग रही थी 10-15 से 20 डॉलर लग रही थी फीस, 10 से 20 डॉलर फीस लग रही थी। अब वो फीस आपकी कम होकर आधा डॉलर हो गई है, मतलब आपके 15 से 20 डॉलर आपके बच गए हैं। आपने यहाँ से ट्रांसफर वाले सेक्शन में जाना है, ये जो ट्रांसफर वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। जब आपने जब 24 आवर गुजर जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रांसफर वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपके ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन दिखाएगा। आपका असिस्ट वाला सेक्शन जो है, जैसे ये है, ये ZK सिंक असिस्ट है, इसी तरह इसमें आपको आपका बैलेंस पता लग जाएगा कितना पड़ा है इसके अंदर। 24 आवर लगेंगे तो आप उम्मीद आपको लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपनी गैस फी जो है वो बचा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप पहले एक तो वीडियो को डिटेल से देख ले, दूसरा आप मुझसे कोई भी सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उसके लिए मेरा हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप भी आके आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे वीडियो के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पे आती रहेंगी जिसमें आपको टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझने को मिलेंगी जो शायद थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि अभी इसने आपकी काफ़ी गैस जो है वो आपने रिड्यूस कर दी है इस मेथड ने, तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप ठीक ठाक अपने जो है वो डॉलर जो है वो आप जा सकते हैं। इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम जो है वो आपकी जो फेस कर रहे होते हैं कि अब हमने एथेरियम नेटवर्क पे एयरड्रॉप आया या एथेरियम नेटवर्क पे कुछ कॉइन बाय करना तो हम कैसे करें, तो उसका तरीका यही है सबसे आसान। एक तो आपको ZK सिंक से एयरड्रॉप भी मिल सकता है, जो इनका एयरड्रॉप है वो मिलेगा मिल सकता है इसकी ब्रिजेस इस्तेमाल करने से। दूसरा आपके यहाँ पे लेस भी लगती है और आपको उसका काफ़ी फायदा होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।